लॉकडाउन के बावजूद तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। झज्जर पुलिस ने ऐसे ही एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है जो बड़े ही शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम देने वाला था। पूरे भारत में लॉकडाउन है जिसके चलते हरियाणा में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, लेकिन फिर भी ये तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और अपने काले धंधे को अंजाम देने में लगे रहते हैं। झज्जर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पुलिस ने एक ऐसे ट्रक को पकड़ा है जिसमें दिखावे के नाम पर तो प्याज है लेकिन इसके पीछे भारी मात्रा में शराब की पेटियां थी। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर छापा मारा और केस रजिस्टर कर दिया हमने इस पे और अभी उसको जो हेल्पर है उसको रिमांड पे लिया है और उसको 2 दिन के रिमांड पे है। बाकी चालक को और इसके ओनर को पता करेंगे। और ये दारू जो है शराब जो है राजपुरा फैक्ट्री है इसकी, वहाँ से लेके आया था इस फैक्ट्री में से। वह इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि नाकेबंदी पर एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया था जिसके बाद हमने उसको रुकने का इशारा किया तो ट्रक चालक ने नाकेबंदी से कुछ ही दूर ट्रक को रोका और वहाँ से फरार हो गया, जिसके बाद हमने आरोपी को पकड़ा और 2 दिन की रिमांड पर लिया है। इसमें जो है हेल्पर है वो हमने अरेस्ट कर लिया था और चालक जो है उसमें भाग गया था। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन की जारी है। वही इस दौरान पुलिस ने यह भी बताया कि इन शराब तस्करों ने बहुत ही शातिराना तरीके से इस वारदात को अंजाम देना चाहते थे। इन शराब तस्करों ने शराब की पेटी के आगे करीब 41 बोरियां प्याज की रखी थी। फिलहाल इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस चौकी पड़ती है, उसके अंदर नाका लगा रखा है हमने दादरी बॉर्डर पे बहुगांव के पास जो है, तो वहाँ एक कंटर पकड़ा था जो बड़ा कंटर है, उसमें जो है 952 पेटी जो है पार्टी स्पेशल ब्रांड की जो है मिली है दारू और ये छुपा के रखी हुई थी और इनके पीछे जो है 41 कट्टे जो है उन्होंने प्याज के लगा रखे हुए ताकि किसी की पकड़ में ना आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि पूछताछ में आरोपी से क्या खुलासा निकलकर सामने आता है।